Hello students, today we will discuss about exercise 3.3 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is Understanding Quadrilaterals. Beta, introduction part jo hai exercise 3.3 ka wo bahut zyada important hai aapke liye. To exercise start karne se pehle hum thode se iske notes read karenge aur isko samjhenge. To topic aaj ka hai kinds of quadrilaterals. There are different type of quadrilaterals on the basis of their nature of sides and their angle. सबसे पहले quadrilateral क्या होता है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी जिसको थोड़ा doubt है इस figure से समझ सकते हैं, क्योंकि quadrilateral क्या होता है? A simple closed curve made up of only line segment. एक simple closed curve जो किससे बने हो, line segment से बना हो, और जिसमें कितनी side होती है quadrilateral में? 4 sides होती है, ठीक है ना? तो अब इनके जो साइड्स और एंगल होते हैं ना, उनके बेसिस पे ये अलग अलग प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और फिर उनको अलग अलग नेम भी दे दिया गया है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेपेजियम से. ट्रेपेजियम, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स देन इट इज अ ट्रेपेजियम. जैसे मान लो ये ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. तो अब ये ट्रेपेजियम कब बन जाएगा? जब इसमें पेयर ऑफ सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड विल बी पैरेलल टू ईच अदर. जैसे मान लो ए बी सी डी मैंने ट्रेपेजियम बनाया, तो ए बी पैरेलल टू डी सी, मतलब ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम है. बाकी दो जो है रेस्ट ऑफ द टू साइड ए डी एंड बी सी विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर. तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ए डी और बी सी, सिर्फ एक पेयर होगा ए बी और बी सी, तो हम बोलेंगे उसको क्या है, ट्रेपेजियम है. अब देखिए, एक यहाँ पे थोड़ा सा रिमार्क है आपके लिए कि जब एक पेयर, तो क्या है एक पेयर, तो ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं. यहाँ पे क्या है, ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बराबर है. लेकिन ए डी और बची हुई, अब दो साइड के बारे में बात करें तो ए डी और बी सी ये दोनों इक्वल नहीं है. देखिए आप यहाँ पे छोटा सा है, ये थोड़ा लंबा सा है क्योंकि स्लेंटिंग लाइन है. अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पे ये भी ट्रेपेजियम है, यहाँ पे ए बी और डी सी क्या है एक दूसरे के, ये दोनों पैरेलल है. ए बी एंड डी सी आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो ठीक हो गया, क्योंकि ट्रेपेजियम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो अब लेकिन दो बची हुई साइड्स हैं ए डी और बी सी, यहाँ पे ये दोनों भी इक्वल हैं, यहाँ पे ये दोनों भी इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं थे. तो यहाँ पे जब ये दोनों इक्वल हो जाए और ये पैरेलल बन जाए, तो इसको एक स्पेशल केस दे दिया जाता है. ट्रेपेजियम तो है लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. सो यहाँ पे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं या नोट करके, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. उसके बाद थोड़ा सा एक नोट और है, इफ ए बी पैरेलल टू डी सी, जैसे ए बी पैरेलल टू डी सी है एंड बी सी एंड ए डी आर ट्रांसवर्सल लाइन्स, और क्या है ए डी और बी सी क्या है, दोनों ट्रांसवर्सल लाइन. आपने सेवंथ क्लास में पढ़ा हुआ है ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जैसे हमने ये बनाया एक ये पैरेलल लाइन बनाई, उनके बीच में जो ऐसे कट करती लाइन उनको क्या बोलते हैं उनको, ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये जो एंगल होते हैं इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल होते हैं. तो मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट्स, सॉरी, इफ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी एंड ए डी आर ट्रांसवर्सल लाइन्स देन बी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. अब क्यों होता है देखिए जरा, मैंने बोला ए बी और डी सी क्या है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं और इसको भी एक्सटेंड करते हैं. तो समझिए, देखा यहाँ पे ये ए बी और डी सी तो पैरेलल है, तो हमने इसको थोड़ा एज्यूम कर लिया कि थोड़ा आगे तक है. तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन में ये दोनों एंगल कौन से होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे, तो इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होता है. और ऐसे ही अब देखिए ए बी और डी सी पैरेलल है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ऐसे थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से भी एक्सटेंड कर दिया. अब देखिए ये भी क्या हो गया, दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यही तो केस बन गया ना यहाँ पे, मैं यही समझाना चाह रहा था आपको भी. तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने के बाद देखिए अब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये दोनों पैरेलल, तो इनको क्या बोलते हैं, हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. दैट्स वाई एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. अब
सेगिन जो है क्वाड्रिलेटरल वो है आपका काइट. इफ द टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज कॉल्ड अ काइट. देखिए जैसे ए बी सी डी एक क्या है हमारा, एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये काइट कब हो जाएगा? अभी तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि हमने अभी इसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हुई है. तो ए बी सी डी अभी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. ये ट्रेपेजियम कब बन जाएगा? जब इसमें क्या होगा, पेयर ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन जो जस्ट बगल में होता है. जैसे देखिए इसके पेयर में एक पेयर होगा अब, लेकिन इसके बगल में ये भी है लेकिन वो वाला नहीं होता, सिर्फ ये वाला जिसमें आपको ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे ये इसके इक्वल है. तो ए सी एंड ए बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ये इसके बगल में भी है. और यहाँ पे बी डी और डी सी ये दोनों भी क्या है, इक्वल लग रहे हैं. तो यहाँ पे ये क्या होगा, जब ऐसा केस आ जाए आपके पास, पेयर ऑफ इधर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज कॉल्ड अ काइट. तो यहाँ पे बी डी और सी डी, यहाँ पे बी डी और सी डी एंड एंड ए सी एंड ए सी एंड ए बी आर इक्वल इन मेजर, दैट्स वाई इट इज अ काइट. तो सबसे पहले तो हमने आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट, जैसे अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ी हुई थी, ऐसी हम प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट भी रीड करें. तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इसके डायगोनल बनते हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं. और दूसरा जो है आपका, वो आपको लर्न करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. जो यहाँ पे ये एंगल बी बनता है, ये एंगल सी के इक्वल होगा, और बट एंगल ए जो होता है एंगल डी के इक्वल नहीं होता है. तो इसका मतलब जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके पेयर, एक बार उनको ले लिया ऊपर से, और जो दूसरी तरफ से इक्वल साइड्स हैं उनका पेयर ले लिया, अब उनके बीच में जो ये एंगल बनने हैं यहाँ पे, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, बट एंगल ए विल नॉट बी इक्वल टू एंगल डी. नाउ थर्ड इज पैरेललोग्राम. इफ द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, अगर उसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या हो, अपोजिट साइड, जैसे ए बी की अपोजिट साइड क्या है, डी सी, और ए डी की अपोजिट साइड क्या है, बी सी. अगर ये ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल हो, और ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हो, तो हम बोलेंगे कि क्या है, ये पैरेललोग्राम है. जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने लिखा है ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, पैरेलल का सिंबल है. ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड हेयर ए डी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी. सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. जब आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिख जाए तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पैरेललोग्राम की. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है वो है, अपोजिट साइड्स विल ऑलवेज बी इक्वल. तो जो पैरेलल तो थी उसके साथ साथ, तभी मैंने यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाया, इक्वलिटी का, ए बी विल इक्वल टू डी सी, ये दोनों इक्वल भी होंगी, ए बी इक्वल होगा डी सी के, और ए डी इक्वल होगा बी सी के, ये भी इसमें एक प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल. तो दोनों है, पैरेलल भी है और इक्वल भी. उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल. अच्छा, यहाँ पे देखिए एंगल डी और एंगल बी जो है, एंगल डी और एंगल बी ये दूसरे क्या अपोजिट है ना, डी के जस्ट अपोजिट में कौन सा लिखा है, बी, और एंगल ए के जस्ट अपोजिट क्या लिखा हुआ है, एंगल सी. तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे आप इस फिगर को, एंगल ए किसके इक्वल है, फिर एंगल सी के इक्वल है, और एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है. इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पहले एंगल बी लिख दिया फिर इक्वल टू एंगल डी लिखा, क्योंकि एंगल डी अगर एंगल बी के इक्वल है तो एंगल बी भी एंगल डी के इक्वल है. तो डी और बी इक्वल होंगे, और ए और सी ये भी अपोजिट है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. मान लो जैसे अगर ये 20 डिग्री का, ये भी कितना होगा, 20 डिग्री का. सेकंड प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे देखिए, मैंने बोला कि जो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल्स यहाँ पर से इसको ज्वाइन कर ले, डी से बी को ज्वाइन कर लेते हैं, और ए से किसको कर लेते हैं, ए से एक बार सी को ज्वाइन कर लेते हैं. तो जो डायगोनल होते हैं ना, ये डायगोनल, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. जैसे मैंने ए सी ड्रॉ किया, ए सी के ड्रॉ होने की वजह से जो डी बी पहले ड्रॉ किया था, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. और अब जब आप कर ले, मान लो ये है कि पहले ए सी ड्रॉ कर लिया, तो अगर डी बी अगर हम ड्रॉ करें तो उसकी वजह से ए सी कितने हिस्से में पड़ जाएगा, दो बराबर हिस्सों में पड़ जाएगा. तो अगर मैं इसको लिखूं तो आप कैसे समझेंगे इसे, एओ किसके इक्वल होगा, ओ सी. ये किसकी वजह से होगा, क्योंकि जब पूरी लाइन ए सी थी
जो पूरी लाइन ए सी है ना, यहाँ से ए से लेके सी तक दो डायगनल है। इस डायगनल पे दूसरी डायगनल जब आई, दूसरी डायगनल कौन सी आई, डी बी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ए सी लाइन थी वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ गई। अब आपको समझ में आ गया होगा ए ओ इक्वल टू ओ सी। अब ऐसे ही इसके लिए रीड करते हैं। अब देखो, जब हमने ये डी बी लाइन थी जो यहाँ से आ रहा है ना डी से लेके बी तक, ये डी बी लाइन भी दो हिस्सों में बढ़ गई। किसकी वजह से, ए सी के ड्रॉ होने की वजह से, मतलब एक दूसरे पर इफेक्ट हो रहा है एक दूसरे का। देखते हैं कैसे, तो हम दूसरे में लिखेंगे डी ओ इक्वल टू ओ बी। किसकी वजह से हुआ ये, ए सी के ड्रॉ होने की वजह से। तो यही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बराबर हिस्सों में कट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप ये सारे बराबर होते हैं, सिर्फ ये दोनों इसके इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, और ये दोनों भी इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे इक्वल बोलने लग जाओ। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जब एक्सरसाइज में, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। अब है फोर्थ, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मान लीजिए अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, यहाँ पे पैरेललोग्राम ले लिया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है, तो सी का एडजेसेंट क्या है, डी, और सी का एडजेसेंट ए भी तो है। तो अभी सीधे सीधे लिख दिया कि हमने पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो सी और डी और सी और ए, इन दोनों एंगल्स के अगर मेजर को हम प्लस करें, जैसे मान लो सी और ए का एक बार कर लिया तो 180 आएगा। फिर हम अगर सी और डी के लिए चेक करें तो सी और डी का भी सम कितना आएगा, 180 आएगा। ऐसे ही डी और सी को प्लस करें तो ये भी क्या होंगे, ये डी का एडजेसेंट नहीं है एक दूसरे के, तो डी और सी भी क्या होंगे, 180 डिग्री का सम बनाएंगे। और ये डी और डी के लिए बात करें, अगर वर्टिसेस डी के लिए बात करें, तो डी और बी ये भी एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट। तो एंगल डी प्लस एंगल बी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही बी की बात करें तो बी इसके साथ भी 180 बनाएगा, बी इसके साथ भी 180 बनाएगा। तो जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है वो कितना होगा आपका, हमेशा 180 डिग्री होगा। तो लिख लेते हैं एक बार, साइकिल में लिख लेते हैं, ए से शुरू करते हैं। तो एंगल ए का जो सम है, एंगल ए के बगल में कौन है एडजेसेंट, मतलब जस्ट बगल में कौन है, बी ना। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एंगल ए के बगल में ये भी तो है सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अगर हम सिर्फ किसकी बात करें, एंगल ए की बात कर रहे हैं अगर हम, तो एंगल ए के बारे में आप ये बोल सकते हैं। अगर हम मान लो एंगल सी की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, एंगल सी की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, एंगल सी के जस्ट बगल में कौन सा है, ए वाला। तो एंगल सी प्लस एंगल ए इन दोनों का भी कितना होगा, 180 डिग्री। और एंगल सी के बगल में डी भी है, एंगल सी प्लस एंगल डी इन दोनों का कितना होगा, 180। तभी लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं। अब एंगल डी की बात करते हैं तो डी के पास में आप देख पा रहे होंगे डी के जस्ट बगल में बी है, डी के जस्ट बगल में सी है। तो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड लास्ट इज एंगल बी। अब बी के बगल में कौन है, ए, बी के बगल में डी। तो एंगल बी की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो किसी भी अगर वर्टेक्स को ले लो आप, तो उस वर्टेक्स पे आपके दो तरफ से आपका क्या बनेगा, एडजेसेंट एंगल बनेगा और इनका 180 डिग्री होगा। अब क्यों होगा, ये थोड़ा सा प्रूफ हमने ट्रेपेजियम में भी करा था, थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए, एक्सटेंड करने के बाद आपको क्या लग रहा है, पैरेललोग्राम में क्या बोला था, अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना एक दूसरे के, तो पैरेलल अगर हमने ये पैरेलल लाइन दिख रही है और उस पर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो दोनों कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही आप इसके लिए प्रूफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मान लो इसके बारे में बात करनी होती है हमें कैसे। अब देखिए, यहाँ पे ये भी तो पैरेलल है ना, सी ए और बी डी भी तो एक दूसरे के पैरेलल है, सी ए और डी बी भी एक दूसरे के पैरेलल, अपोजिट साइड तो ये भी है ना। तो अगर हम इसको बात करें, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, ये एक्सटेंड कर दूँ ये, तो ये क्या होगा, ये देखिए, इसको तो एक्सटेंड पहले से किया है, तो ये पैरेलल लाइन इसके पैरेलल है, इनके बीच में डिस्टेंस यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, चाहे इन्फिनाइट तक ले लो आप, डिस्टेंस बराबर रहेगी। अब देखिए, उनके बीच में कौन सी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल सी और एंगल डी ये दोनों कौन से इंटीग्रेटर हो गए, को इंटीग्रेटर एंगल हो गए, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दैट्स व्हाई द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट वन इज सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। ये जो अब हम पढ़ेंगे, ये सभी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड करेंगे। एक फर्स्ट वन है हमारा रोम्बस। इफ अ पैरेललोग्राम हैज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ रोम्बस। बोल रहा है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम
क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए तो जस्ट ये होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डिस्टेंस भी बराबर है और ऐसी इसके लिए भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब देखिए ये जो रोम्बस है ये इसकी प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करता है। देखिए अब आप ये मत कंफ्यूज होइए कि आप इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है तो सर ये रोम्बस का कैसे टाइप हो गया। आप ये देखिए ना उसकी जगह कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ए बी और डी सी एक दूसरे के क्या है इक्वल है और ए बी और डी सी क्या है पैरेलल भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया ना ए बी और डी सी इक्वल है और ए बी पैरेलल है किसके डी सी के, तो ये रोम्बस में तो ये भी होता है, पैरेललोग्राम में तो ये होता है। और ऐसे ही ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी भी हो गया, तो आपका ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी इसके लिए भी ये इसकी जैसे इक्वल आ रहे हैं आपको। लेकिन अगर हम रिस्पेक्टिवली बात करें ए बी और डी सी की और ए डी और बी सी की तो इनके बीच में हम रिलेशन देख पा रहे हैं। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या होना चाहिए इसमें, देखिए फर्स्ट जो है एंगल ए जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा क्योंकि सब स्पेशल पैरेललोग्राम हमारा टॉपिक है। अब देखिए एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा तो इसमें फिर अलग क्या होगा वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, फिर से जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी वो तो होल्ड करेगा, उसके अलावा कुछ और थोड़ा सा इसमें खासियत होगी। जैसे डी और सी है इसमें एडजेसेंट एंगल है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इन जो भी एडजेसेंट बनेगा डी का एडजेसेंट सी और डी का एडजेसेंट ए तो इनका सम कितना होगा 180, मैंने करके भी दिखाया था आपको साइड एक्सटेंड करके, और सी से सी का बी और डी ऐसी करके आप और वर्टिसेस के लिए भी चेक सकते हैं। अब स्पेशल प्रॉपर्टी जो है जो इसको रोम्बस बना देती है किससे पैरेललोग्राम से कन्वर्ट करके, इसमें क्या है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है 90 डिग्री, उसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। यहाँ पे जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं बराबर हिस्सों में क्योंकि उसमें भी करते थे पैरेललोग्राम में बराबर, जैसे ये मैंने करा। अब देखो इस डायगोनल को जैसे मैं ड्रॉ करूंगा ना इस डायगोनल को मैं जैसे ही ड्रॉ करूंगा ये ड्रॉ कर दी तो ये खुद भी दो हिस्सों में बराबर बढ़ गया और ये भी दो हिस्सों में बराबर बढ़ गया, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो ये जो दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे और ऐसे ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और ये जो कट करता है ना ये अलग प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम से हटके रोम्बस, तभी इसको रोम्बस नेम दिया है यहाँ पे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 90 90 और 90, और पूरा कंप्लीट हो गया तो कितना बन जाएगा 360 बन जाएगा। तो ये क्या होता है कितने डिग्री पे कट करते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट तो करते हैं बराबर इस समय बांटते हैं एक दूसरे को लेकिन क्या होता है 90 डिग्री पे कट करते हैं। और हाँ आप ऐसा मत सोचना कि ये रोम्बस है तो ये फिर सारे इक्वल होंगे एओ ओबी, जैसे मान लो अगर मैं इसको ओ दे देता हूँ नाम तो एओ ओबी डीओ ओसी ये सब इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ डीओ और ओबी इक्वल होगा और एओ और ओसी इक्वल होगा, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में है सबसे पहले अब पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स एंड इक्वल अपोजिट साइड इज कॉल्ड रेक्टेंगल। देखिए इसमें भी क्योंकि पैरेललोग्राम के काइंड है तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी वो तो होल्ड करेंगे ही करेंगे। जैसे पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। लेकिन तो फिर फर्क क्या आ गया, फर्क ये आया देखिए ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, ये सारे सारे यहाँ पे लिखेंगे। अब ये इसमें लेकिन ये तो हम एक चीज और जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है उसमें सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें सभी के सभी एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री का होता है ना इसका हर एक एंगल, ये 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे 90 ये 90 90 90, अपोजिट तो इक्वल होते हैं तो अपोजिट तो इक्वल हो रहे हैं लेकिन हम देख पा रहे कि ये 90 है ये 90 है ये 90 है 90, उसकी वजह से सारे के सारे क्या हो गए 90 डिग्री के एंगल हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका स्पेशल केस क्या हो गया, यहाँ पे सभी के सभी अंदर के जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करता है ये देखिए उसकी प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ये जो पैरेललोग्राम के, तभी इसको स्पेशल पैरेललोग्राम कहते हैं। ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, जो हर एक इंटीरियर एंगल होता है कितने डिग्री का होता है 90। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, फिर से वही बात, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। और उसके बाद अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो हमने पहले डिस्कस कर दिया। अब स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, स्क्वायर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी साइड ऑल साइड क्या होती है इक्वल होती है, तो हमने स्क्वायर बना रखा है यहाँ पे आप उसको देख के समझ सकते हैं इसकी सभी साइड्स क्या है इक्वल है, तो सभी साइड्स इक्वल है इसमें
और उसकी प्रॉपर्टी और क्या होल्ड करेगा, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, हमने बात कर दी इसकी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, फिर से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, डायगोनल आर इक्वल इन लाइन। ये देखिए अब इसका थोड़ा सा अलग आ गया, यहाँ पे अभी तक हमने कहीं पर भी डायगोनल इक्वल होते हैं नहीं बताया था, यहाँ पे डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बायसेक्ट तो करते हैं, तो बायसेक्ट और डायगोनल इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये सब के सब क्या होंगे, बराबर आएंगे इसमें। और ये कितने डिग्री पे कट करता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करता है इसका। तो सब में हमने कुछ ना कुछ अलग चीज देखी, यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करता है, यहाँ पे हमने अलग इस केस देख लिया, इसमें बायसेक्ट तो कर रहे हैं डायगोनल एक दूसरे को, और लेकिन क्या कर रहे हैं, सभी के सभी जो बायसेक्ट करके जो हमें मिला हुआ है, ये जैसे ए ओ मिला हुआ है, ओ सी मिला हुआ, ओ डी मिला और ओ बी मिला, ये आपस में क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने ये सब प्रॉपर्टी थी जो हमें लर्न करनी चाहिए किससे पहले, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले।